दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके वजह से आपका जो कोई, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपका एग्ज़ाम टाइम है, तो आप अपना जो इंस्टाग्राम का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, या फिर कोई ऑफिस वर्क है या प्रोजेक्ट है उसमें आप अपना जो माइंड नहीं लगा पा रहे हैं, तो अगर आप अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ना ही डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपको डीएक्टिवेट करना ताकि आपका जब तक जैसे कि एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है, तब उसके बाद से आप अपना इंस्टाग्राम आईडी फिर से आप रिकवर करके आप अपना जो है अपना इंस्टाग्राम आईडी यूज़ कर पाएँ, तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है आप डीएक्टिवेट कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद से दोस्तों आप अपना जो है पढ़ाई में चाहे कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसमें आप अपना फोकस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको थ्री जो आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे टैप करेंगे तो अब इसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। नेट का अगर आपका ठीक से चलना चाहिए दोस्तों, अगर नेट नहीं सही चलेगा तो आपका यहाँ पे कुछ सेटिंग दोस्तों देख सकते हैं। अब हमारा सेटिंग आ चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। अब इस पर दोस्तों जैसे टैप करेंगे अब इसके बाद से अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या है इस पर क्लिक कर देना है, या फिर दोस्तों आप नीचे की साइड देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लॉगआउट करने का बटन देखने को मिलेगा, आपको डिलीट करने का बटन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। अब दोस्तों जैसे टैप करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से देखने को मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और बाकी सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इसे यहीं पर आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे टाइप करेंगे तो अब इसके इस बात से दोस्तों देख सकते हैं मेमोरलाइजेशन एंड डीएक्टिवेशन और डिलीशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बटन देखने को मिल रहा है। तो बस दोस्तों आपको जो है इस वाले दूसरे वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। अब इस पे दोस्तों जैसे टाइप करेंगे तो अब आपको यहाँ पर डीएक्टिवेशन और डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी को डीएक्टिवेट करना है तो आपको इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पर दोस्तों जैसे सेलेक्ट करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मिल रहा है, डीएक्टिवेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़े टाइम के लिए आप डीएक्टिवेट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर जैसे टाइप करेंगे तो अब यहाँ से आपको अपना इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड आपने जो बना रखा है, जब आईडी आपने बनाया होगा तो उस टाइम पासवर्ड भी बनाया होगा, वो पासवर्ड अगर आपको याद है तो आपको पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको टैप कर देना है। पासवर्ड टैप एंटर करने के बाद से कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा है डीएक्टिवेशन योर इंस्टाग्राम, डीएक्टिवेटिंग योर इंस्टाग्राम। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको जो है किस वजह से आप अपना जो है इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि जस्ट नीड अ ब्रेक, इस पर हम टैप करेंगे। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। बस इसके बाद से कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से दोस्तों फाइनली अब आपके दोस्तों देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट अकाउंट का जो बटन है फाइनली हमें मिल चुका है, बस अब इस पर टैप कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे टैप करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद से आपका यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका सक्सेसफुली, और आप यहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है अपना डीएक्टिवेट कर सकते हैं थोड़े पल के लिए, आपको अगर रेस्ट चाहिए या फिर आपका जो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो इस चीज़ को करके आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।